हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स, मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल का आर्टिकल है, उसके एक्सरसाइजेस के डाउट्स को हम स्टडी कर रहे थे। तो उसमें से हमारी लास्ट एक्सरसाइज यहाँ पे अब बची है, वो है एक्सरसाइज 3। तो उसके डाउट्स आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आपने मुझे जो डाउट सेंड किए हैं एक्सरसाइज थ्री, तो चलो देखो। सबसे पहले हमें क्या होता है, मैच द कॉलम। सो कॉलम फर्स्ट में आपका ए बी, कॉलम सेकंड में डी, इसके बाद एसर्शन एंड रीजनिंग में आपका एम, एसर्शन एंड रीजनिंग थर्ड, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में वो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड में थर्ड। ये आपके क्या है डाउट्स है। तो आज के लेक्चर में हम वन बाय वन करके इन सभी डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले मैच द कॉलम में सबसे पहले जो है आपका फर्स्ट, उसे देखेंगे। क्या है फर्स्ट? द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y इज 90 डिग्री एंड टैन इनवर्स ऑफ यम अपॉन यम। तो चलो देखो, सबसे पहले क्या होता है, दो कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमने इससे पहले भी स्टडी किया था एंगल बिटवीन टू कर्व्स। जो लेक्चर हमारा हो चुका था एंगल बिटवीन टू कर्व्स के ऊपर, वो हमने स्टडी किया है। आपके पास उसके शॉर्टकट्स भी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को भी देख सकते हो, एंगल बिटवीन टू कर्व्स कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है। सो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप फाइंड करोगे, सो 0 एंड 4 इसका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। देखो, दो कर्व के बीच का एंगल आपको जब भी फाइंड करना होता है, आपको क्या करना होता है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है। आप चेक कर सकते हो 0 एंड 4, ये दो कर्व के क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। क्या है, 2y इंटू dy by dx इज इक्वल टू 4, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया 2, सो 2 अपॉन y, y की वैल्यू 0 पुट की, मतलब क्या आएगा, समथिंग अपॉन 0 मतलब क्या आएगा, इंफिनिटी। सो स्लोप क्या आएगा, इंफिनिटी। स्लोप मतलब क्या होता है, dy by dx मतलब क्या होता है, tan थीटा क्या आएगा, इंफिनिटी। इसका मतलब थीटा क्या आएगा, 90 डिग्री, व्हेन 0 इज द पॉइंट। ओके, सो 0 पॉइंट अगर हमने लिया, ए पॉइंट अगर लिया, तो दो कर्व के बीच ये जो इसका स्लोप है, इसका स्लोप क्या आएगा, 90 डिग्री। यहाँ चेक करेंगे क्या है, एक्स स्क्वेयर इंटू 4y, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 4 dy by dx, therefore dy by dx इज इक्वल टू 1/2x। 0 पे चेक किया, सो 1/0 क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा 1/0 मतलब इंफिनिटी। सो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, मतलब दोनों क्या होंगे, वर्टिकल। तो इस तरह से आपको ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या आएंगे, इंफिनिटीज आएंगे, अगर आपने 0 यहाँ पे पुट किया तो। अब अगर आपने 4 पुट किया, सो dy by dx एट 4 तो क्या आएगा, 2/4 मतलब क्या आएगा, 1/2, एंड dy by dx एट 4 क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। चलो देखो, सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, dy by dx इज इक्वल टू x/2 मिलेगा। अच्छे से देखो, x/2, 0 पुट किया तो 0 आएगा, तो इसका स्लोप 0 आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, इंफिनिटी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, मतलब दो कर्व के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो 0 पॉइंट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हमने क्या लिया, 4 लिया, तो x/2 मतलब क्या होगा, 4/2 इज इक्वल टू 2 होगा। सो चलो देखो, फर्स्ट कर्व का स्लोप आ गया 1/2, उसे हम क्या बोलेंगे, m1। सेकेंड कर्व का स्लोप आ गया 2, उसे हम क्या बोलेंगे, m2। तो हमें क्या करना है, ये दो कर्व के बीच का एंगल फाइंड करना है एट 4 तो हम क्या लेंगे, हमें पता है दो स्लोप पता है, तो फिर हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपौन 1 + m1 m2। सो tan थीटा इज इक्वल टू m1 क्या है आपका,
वन बाई टू माइनस टू अपॉन वन प्लस वन बाई टू इंटू टू, तो फिर क्या होगा, वन बाई टू माइनस टू मतलब माइनस थ्री बाई टू अपॉन टू, माइनस माइनस प्लस होगा, सो थ्री बाई फोर, सो थीटा इज इक्वल टू टैन इन वर्स ऑफ थ्री बाई फोर। तो चलो देखो, जैसे ही ये दो कर्व जीरो जीरो पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब जीरो जीरो पे इन दो कर्व के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और ये दो कर्व फोर फोर पे भी इंटरसेक्ट करेगी, और फोर फोर इस पॉइंट पे इन दो कर्व के बीच का एंगल कितना होगा टैन इनवर्स ऑफ थ्री बाय फोर। उन्होंने एंगल कितना दिया है, टैन इनवर्स ऑफ एम बाई एन। सो उन्होंने दिए एंगल दिया है, हमारा ए एंगल आया है, इसका मतलब एम की वैल्यू क्या होगी थ्री एंड एन की वैल्यू क्या होगी फोर। सो एम की वैल्यू थ्री एंड एन की वैल्यू फोर होगी, तो m प्लस एन आपका क्या आएगा सेवन। सो मॉड ऑफ m प्लस एन इज इक्वल टू कितना आएगा सेवन। इस तरह से आपका फर्स्ट कॉलम का ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो अच्छे से क्या करना है आपको, जैसे ही आपके दो कर्व्स इंटरसेक्ट होगी, तो दो कर्व इंटरसेक्ट होगी तो सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसे फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो कर्व के स्लोप फाइंड करो। स्लोप मतलब क्या होता है, फर्स्ट कर्व का स्लोप एम वन आएगा, सेकेंड कर्व का स्लोप एम टू आएगा। जैसे आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्लोप मिल गए तो आप इस फॉर्मुलेशन का यूज करो, तो दो कर्व के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो। ये आर्टिकल हमारा हो चुका है, इसके ऊपर वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, आप उसे जाके थ्योरी को अच्छे से समझ सकते हो। तो चलो देखो आगे, ये तो हो गया प्रॉब्लम कॉलम फर्स्ट का ए, अब हम कॉलम फर्स्ट का बी सॉल्व करेंगे। तो सेम तरह से बाकी के क्वेश्चंस आप कॉलम फर्स्ट में से सॉल्व कर सकते हो, इतना क्रिटिकल वो है नहीं। तो चलो देखो, सेकेंड थोड़ा सा अलग है, फर्स्ट में बी देखेंगे क्या है। फर्स्ट में बी, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द नॉर्मल एट पॉइंट 10 इस पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। किस कर्व को, x इज इक्वल टू ई रेस टू साइन वाई को। तो चलो सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो x का डेरिवेटिव आएगा 1, ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव ई रेस टू समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ y इंटू y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो चलो एट पॉइंट 10, सो x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो चलो यहाँ पे किया 1 इज इक्वल टू साइन 0 क्या है 0, सो ई रेस टू 0 कॉस 0 क्या है 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ई रेस टू 0 मतलब 1, देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस कर्व का स्लोप क्या आ गया 101। तो इसका निगेटिव रिसिप्रोकल क्या होगा, ए किसका स्लोप है, ए टेंजेंट का स्लोप है। अच्छे से देखो, ए किसका स्लोप है, टेंजेंट का। तो नॉर्मल का स्लोप आप कैसे फाइंड करोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। चलो क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, निगेटिव रिसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज 1, मतलब नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा माइनस 1। सो नॉर्मल जिस पॉइंट से पास होती है, पॉइंट है, स्लोप है, आप स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको मिलेगा, क्या होगा वाई माइनस वाई वन क्या है 0 इज इक्वल टू स्लोप क्या है माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स 1 मतलब क्या है 1, देयर फोर वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, देयर फोर एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आएगा नॉर्मल का इक्वेशन। तो उन्होंने क्या बताया, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द नॉर्मल एट 10 ऑन द कर्व विथ एक्सिस। तो ये जो कर्व है, ये नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो एक्स इंटरसेप्ट है 10, y इंटरसेप्ट भी क्या है 1 मतलब आएगा 01। तो यहां से आपकी नॉर्मल क्या होती है, पास होती है। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ विथ ओरिजिन क्या बनाती है ट्रायंगल, तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल के एरिया आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, 1/2 इंटू बेस क्या है 1 इंटू हाइट क्या है 1, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा 1/2। इस तरह से आपका बी का ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपको सबसे पहले कर्व का नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना था। जैसे ही आपने कर्व के नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड किया, तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेक्शन मिल जाते और उसका एरिया फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये सिंपल क्वेश्चंस था, आपको सॉल्व करना आना चाहिए था। तो चलो देखो नेक्स्ट, सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन डी उसमें से। चलो फिर सेकेंड में डी देखेंगे। चलो क्या है डी, इफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व आपको दी है एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 एट 1 1
एट टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ करना है, 1 1, इसका मतलब ये 1 1 पॉइंट कहाँ पे है, कर्व पे, वैल्यू पुट करेंगे, सो 1 + a + b इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट a + b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 1। इस कर्व को 1 1 पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, इसका मतलब 1 1 ए पॉइंट इस कर्व के ऊपर होगा, वैल्यूएशन पुट किया तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला a + b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या कहा है, इज टेंजेंट, देखो इफ टेंजेंट टू द कर्व एट 1 1 इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2। टेंजेंट का आपको क्या दिया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब क्या दिया है, थीटा, कितना दिया है, टेन इनवर्स ऑफ 2। अच्छे से देखो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया है, टेन इनवर्स ऑफ 2, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। टेन थीटा क्या होता है, स्लोप, मतलब आपको स्लोप दिया है टेंजेंट का, कितना दिया है, 2। अच्छे से देखो, टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 2 दिया, टेन थीटा मतलब स्लोप होता है, दैट मीन्स आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है 2। तो आपके पास कर्व है, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हो, इसे डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट एज इट इज वाई का डेरिवेटिव आएगा dy/dx प्लस सेकेंड एज इट इज वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 + ax का डेरिवेटिव a + b, वाई का डेरिवेटिव आएगा dy/dx इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो dy/dx प्लस 1 + a + b dy/dx इज इक्वल टू 0, dy/dx की वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्योंकि स्लोप मतलब क्या होता है, dy/dx। तो चलो 2 पुट करेंगे, 2 + 1 + a + b इंटू 2 इज इक्वल टू 0, मतलब a + 2b इज इक्वल टू -3। ये हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन सेकेंड, सो a + b आपके पास आ गया -1 एंड a + 2b आपके पास आ गया -3। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये दोनों कैंसिल होगा, b - 2b मतलब क्या मिलेगा, -b इज इक्वल टू -1 + 3 मतलब 2, सो b इज इक्वल टू -2। यहाँ पे पुट करेंगे a - 2 इज इक्वल टू -1, देयरफोर a इज इक्वल टू 1। तो जैसे आपको a मिला, b मिला, आपको क्या फाइंड करना है, a - b फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो b की वैल्यू -2, सो a - b इज इक्वल टू 1 -2 इज इक्वल टू 3 मिलेगा, तो a - b की वैल्यू क्या आएगी, 3। इस तरह से आपका सेकेंड डी जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको अच्छे से सॉल्व करने की, समझने की, रीड करने की ज़रूरत थी, तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट डाउट जो है आपका वो है एसर्शन एंड रीजन में 3rd नंबर। चलो देखो एसर्शन एंड रीजन 3rd स्टेटमेंट, फर्स्ट देखो क्या है स्टेटमेंट, फर्स्ट एनी टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x^7 + 8x³ + 2x + 1 मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव x एक्सिस। या इस ये जो कर्व है, इस कर्व को हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। अच्छे से देखो, ये टेंजेंट क्या बनाती है, x एक्सिस से क्या बनाती है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको सबको पता है, मतलब 0 to 90 के बीच में, तो ये टेंजेंट x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाती है, तो इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, टैन थीटा। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। अच्छे से देखो, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, मतलब टैन थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब आपका स्लोप ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इसे डिफरेंशिएट किया, सो dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, 7x^6 + 24x² + 2। तो चलो देखो, x की वैल्यू कुछ भी पुट करो तो ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। एक्स वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। ये क्या है, पॉजिटिव, मतलब dy/dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, जैसे dy/dx ग्रेटर देन 0 होगा, dy/dx ग्रेटर देन 0 मतलब स्लोप भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, करेक्ट आएगा, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट को देखो क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट, एनी कर्व टेंजेंट टू एनी कर्व y इज इक्वल टू a नॉट x^2 2n + 1 + a1
x raised to 2n minus 1 plus a2 x raised to 2n minus 3 plus and so on plus an x plus 1। तो चलो देखो, ये जो कर्व है, इस कर्व को कोई भी टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छे से देखो, मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए नॉट ए वन ए टू ए एन ए सभी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो अच्छे से देखो, तो ये जो कर्व है, इस कर्व को टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी, ऐसा स्टेटमेंट है। तो एक्यूट एंगल कब बनेगा, तो ये जो कर्व है इसकी टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाती है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, ऐसे ही रहेगा 2n प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू 2n प्लस ए वन इंटू 2n माइनस 1 एक्स रेस टू 2n माइनस 2 प्लस ए टू 2n माइनस 3 इंटू एक्स रेस टू 2n माइनस 4 प्लस ऑन अप टू प्लस ए एन, इस तरह से आएगा। तो देखो, ये अलवेज पॉजिटिव आएगा, ये अलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x की इवन पावर है, x की इवन पावर सब ग्रेटर इक्वल जीरो होंगे। तो इसका मतलब आपका dy by dx अलवेज क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल जीरो आएगा। तो जैसे ग्रेटर इक्वल जीरो आएगा, मतलब क्या, स्लोप अलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होगा मतलब एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा। देखो, सब चीजें एक दूसरे से क्या करती है, रिलेट करती है। थीटा एक्यूट आएगा मतलब स्लोप क्या आएगा, टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, टेन थीटा मतलब dy by dx, dy by dx क्या क्या पॉजिटिव, dy by dx मतलब क्या, स्लोप, स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। तो चलो देखो, जैसे आपको जो कर्व दी थी उसका स्लोप अलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे उसका स्लोप अलवेज पॉजिटिव आएगा, मतलब वो जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। और इसी स्टेटमेंट का हमने क्या किया था फर्स्ट में यूज, क्योंकि ये भी क्या आया था, इसका डेरिवेटिव इवन डिग्री की पॉलीनोमियल थी, और यहाँ पे भी देखो इवन डिग्री की पॉलीनोमियल है। सो फर्स्ट भी ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू है, सेकेंड का एप्लीकेशन हमने फर्स्ट में किया था, इसलिए सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट। सो एसर्शन एंड रीजनिंग का जो थर्ड डाउट है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो, कॉम्प्रिहेंशन में देखेंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ उसे अच्छे से टैकल करने की जरूरत है। कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट को चलो देखो क्या है। कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है फंक्शन, एक्स स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ वन माइनस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ टू प्लस एफ डबल डैश ऑफ थ्री सच दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू, ऐसा आपको दिया है। तो चलो देखो अच्छे से, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू दिया है, तो सबसे पहले हमें फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, तभी बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू दिया है, अक्षर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्या दिया है इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो फिर एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू दिया है, सो एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, जीरो। सो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो प्लस एफ डबल डैश ऑफ थ्री, तो एफ ऑफ जीरो क्या है टू, देयर फोर एफ डबल डैश ऑफ थ्री इज इक्वल टू टू, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ वन माइनस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ टू प्लस टू। तो चलो इसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स इंटू एफ ऑफ वन कॉन्स्टेंट है माइनस एफ डैश ऑफ टू। तो चलो देखो यहाँ पे क्या आ गया, एफ डैश ऑफ टू, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स है, सो पुट एक्स इज इक्वल टू टू, जैसे एक्स इज इक्वल टू टू पुट किया, यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ टू इज इक्वल टू एक्स वैल्यू टू पुट की टू इंटू टू मतलब फोर एफ ऑफ वन माइनस एफ डैश ऑफ टू, ये वहाँ जाके प्लस होगा, सो टू एफ डैश ऑफ टू इज इक्वल टू फोर एफ ऑफ वन मतलब एफ डैश ऑफ टू इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ डैश ऑफ टू इज इक्वल टू टू से डिवाइड किया मतलब टू एफ ऑफ वन आएगा। सो एफ डैश ऑफ टू क्या आ गया, टू एफ ऑफ वन, वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे, देयर फोर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स एफ ऑफ वन माइनस एफ डैश ऑफ टू क्या आ गया, टू एफ ऑफ वन।
तो चलो देखो यहाँ इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एफ ऑफ वन कॉन्स्टेंट एक्स का डेरिवेटिव वन टू एफ ऑफ वन। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमें क्या पता है, एफ डबल डैश ऑफ थ्री पता है क्या, टू। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, थ्री। सो एफ डबल डैश ऑफ थ्री इज इक्वल टू टू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू क्या आएगा, टू, टू टू कैंसिल होगा, देयरफोर एफ ऑफ वन इज इक्वल टू क्या आएगा, वन। तो चलो देखो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ वन की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन क्या है, वन। सो टू एफ ऑफ वन, सो टू एक्स इन टू एफ ऑफ वन माइनस टू ऐसा मिलेगा। तो आपको क्या फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, एफ डैश ऑफ वन, सो एक्स की वैल्यू वन पुट करो, सो एफ डैश ऑफ वन आएगा टू वन इन टू एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है, वन। तो यहाँ पे आपको एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिला आपको, टू एक्स माइनस टू। तो फिर एफ डैश ऑफ टू क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एफ डैश ऑफ टू क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ टू मिलेगा टू, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है, वन। सो एफ डैश ऑफ टू क्या मिलेगा, टू। तो सभी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो एफ ऑफ वन की वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिल गई, वन। एफ डैश ऑफ टू की वैल्यू आपको मिल गई, एफ डैश ऑफ टू की वैल्यू क्या मिलेगी, टू। और एफ डैश ऑफ थ्री की वैल्यू भी मिल गई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स फाइंड करोगे। तो एफ ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ वन क्या है, वन, माइनस एक्स। एफ डैश ऑफ टू क्या है, एफ डैश ऑफ टू आपको मिलेगा टू, प्लस एफ डैश ऑफ थ्री क्या है, टू। तो ये आपका आ गया फंक्शन। तो आपको क्या फाइंड करना है, चलो देखो वैल्यूज ऑफ एफ डैश ऑफ वन यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन पुट की, सो टू माइनस टू मतलब क्या आएगा, जीरो। तो आपको फर्स्ट का आंसर मिल जाएगा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आपको मिल गया। तो आप इसे टेंजेंट भी फाइंड कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू थ्री को। तो पहले आपको x इज इक्वल टू थ्री पुट करना पड़ेगा, सो y की वैल्यू क्या आएगी, थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस सिक्स प्लस टू, नाइन प्लस टू इलेवन माइनस सिक्स मतलब क्या आएगा, फाइव। सो आपका पॉइंट क्या होगा, थ्री फाइव। सो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करके x इज इक्वल टू थ्री को स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, थ्री फाइव का पॉइंट यूज करके, पॉइंट मिलेगा स्लोप मिलेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो, सेकेंड का आंसर मिल जाएगा। थर्ड का आंसर भी सिंपल है, देखो द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स आपको मिल गया, एंड वाई इज इक्वल टू टू ई रेस टू टू एक्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कर्व आपके पास है, यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो, ए जीरो जीरो क्या मिलेगा, टू, ओ भी क्या मिलेगा, टू। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू टू, ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका स्लोप फाइंड करो, इसका वाई इज इक्वल टू टू ई रेस टू टू एक्स, इसका स्लोप फाइंड करो। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया, ये आपको कर्व दी है, ये दो कर्व का आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, सिंपल है, एक्स वैल्यू जीरो पुट किया ये टू आ गया, एक्स वैल्यू जीरो पुट किया ये टू आ गया, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू टू, इसका क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो जीरो टू क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो जैसे ही आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, इसका स्लोप आप फाइंड कर सकते हो, इसका स्लोप फाइंड कर सकते हो, देन दोनों के बीच का एंगल भी आपको मिल जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर तो मैंने ऑप्टेन करके दिया है, सेकेंड को आपको क्या करना है, सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू थ्री पुट किया तो वाई इज इक्वल टू फाइव आएगा। सो थ्री फाइव को इस कर्व को टेंजेंट ड्रॉ करना है, सिंपल आएगा। और थर्ड क्वेश्चन में ए कर्व और ए कर्व दोनों का क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो कैसे फाइंड करना है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो आपका फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। तो चलो देखो सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे, कुछ चीज़ें जो है सिंपल है वो आपको करनी पड़ेगी, सेम टाइप के प्रॉब्लम्स अगर है तो सभी के सभी मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, तो आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना है ये बताना मेरा काम है। तो चलो देखो कॉम्प्रिहेंशन टू क्या दिया है, कॉम्प्रिहेंशन टू में अच्छे से देखो समझो इसे, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन विच सेटिस्फाइज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू
f square of x and f of 0 is equal to minus 1 by 2. तो यहाँ हम इसे कैसे लिख सकते हैं, f dash of x upon f square of x is equal to 1. इंटीग्रेशन लेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x upon f square of x dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. तो क्या है, अगर मैंने f of x को t पुट किया तो f dash of x dx क्या होगा, dt. तो 1 upon t square dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, minus 1 upon t, मतलब minus 1 upon f of x इज इक्वल, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी. सो x वैल्यू जीरो पुट करेंगे, माइनस f ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस सी. देयरफोर आपको c की वैल्यू क्या मिलेगी, c इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन f ऑफ जीरो. f ऑफ जीरो वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई टू, ऊपर जाएगा मतलब क्या मिलेगा, टू. यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, देयरफोर माइनस वन अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस टू. इनवर्ट इंडोलिया, देयरफोर f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन x प्लस टू. ये आपको क्या मिल गया, फंक्शन. चलो देखो आगे, द ग्राफ ऑफ द डिफरेंशियबल फंक्शन y इज इक्वल टू g ऑफ x. आपको अनादर फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू g ऑफ x, कंटेन्स द पॉइंट 0 2. ये जो फंक्शन है ये पॉइंट 0 2 कंटेन करता है, मतलब y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, मतलब g ऑफ 2 आपका क्या है, x की वैल्यू 0, मतलब g ऑफ 0 क्या है, 2, ऐसा आपको दिया है. एंड हैज अ प्रॉपर्टी दैट फॉर ईच नंबर p द लाइन टेंजेंट टू y इज इक्वल टू g ऑफ x एट y इज इक्वल टू g ऑफ x को टेंजेंट ड्रॉ करनी, कहाँ पे, p g ऑफ p, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट p प्लस 2. देखो y इज इक्वल टू g ऑफ x को टेंजेंट ड्रॉ किया एट p g ऑफ p, ये क्या है, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट p प्लस 2. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन किया, सो dy by dx इज इक्वल टू g डैश ऑफ x. तो ये क्या हो गया, स्लोप. ओके, कहाँ पॉइंट करना है, p पे, सो क्या होगा, g डैश ऑफ p उसका क्या बनेगा, स्लोप. देयरफोर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिंपल है, क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1, y1 क्या है, g ऑफ p इज इक्वल टू स्लोप, मतलब क्या, g डैश ऑफ p इंटू x माइनस x1, x1 क्या है, p. तो चलो देखो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो जैसे ही टेंजेंट का इक्वेशन आपको मिलेगा, आपको बताया है कि वो टेंजेंट का x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, p प्लस 2 में, मतलब x इंटरसेप्ट क्या है, p प्लस 2, y इंटरसेप्ट, y क्या होगा, 0, मतलब y 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है, p प्लस 2. सो माइनस g ऑफ p इज इक्वल टू g डैश ऑफ p इंटू x की वैल्यू क्या पुट करनी, p प्लस 2 माइनस p, कैंसिल होगा. देयरफोर माइनस g ऑफ p इज इक्वल टू g डैश ऑफ p इंटू 2. देयरफोर ये माइनस वा जाएगा, यह आएगा g ऑफ p अपॉन g डैश ऑफ p इज इक्वल टू 2. तो p की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की, अच्छे से देखो, p की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की तो g ऑफ 0 आपको पता है क्या, 2. सो p की वैल्यू 2 पुट करो, चलो तो क्या मिलेगा, g ऑफ 0 अपॉन g डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 2. g ऑफ 0 क्या है, 2, 2 2 क्या होगा, कैंसल. देयरफोर g डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, g डैश ऑफ 0 क्या आएगा, 1. तो चलो देखो यहाँ से, चलो ये तो हो गई वन थीम. अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, g ऑफ x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. क्या दिया है, g ऑफ p अपॉन g डैश ऑफ p इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो गलती हो गई, यहाँ पे g ऑफ p अपॉन g डैश ऑफ p इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2 आएगा, क्या आएगा, माइनस 2. तो यहाँ पे इंटीग्रेट किया, सो इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ p अपॉन g डैश ऑफ p इंटू dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस 2 dp. तो ये नीचे दिए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आपको क्या मिलेगा, log ऑफ g ऑफ p, log ऑफ g ऑफ p इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू पी प्लस सी, मतलब एक्सपोनेंशियल लिया, सो जी ऑफ पी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 2 पी प्लस सी. सो जी ऑफ 0 क्या है, 2, सो पी की वैल्यू हम पुट क्या करेंगे, 0, सो जी ऑफ 0 क्या है, 2, सो 2 इज इक्वल टू ई रेस टू 0 प्लस सी, मतलब ई रेस टू सी आएगा,
ओके, सो ई रेस टू सी की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जी ऑफ पी इज इक्वल टू ई रेस टू सी क्या है 2, सो 2 ई रेस टू माइनस 2 पी, आपको पी मिलेगा, मतलब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ई रेस टू माइनस 2 एक्स, इस तरह से आपको फंक्शन मिलेगा, मतलब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 ई रेस टू माइनस 2 एक्स, इस तरह से आपको जी ऑफ एक्स का फंक्शन भी मिलेगा। कैसे सॉल्व किया, चलो एफ डैश ऑफ एक्स दिया था, यहाँ से एफ ऑफ एक्स फाइंड किया, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स दिया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी जी ऑफ पी हैज एक्स इंटरसेप्ट पी प्लस 2, ये इस डाटा से हमने क्या किया, यहाँ से जी ऑफ एक्स भी फाइंड किया। तो जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्वेश्चन के आंसर बता सकते हो। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट, चलो एफ ऑफ एक्स का यहाँ आपको क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट। चलो क्वेश्चन को समझो, आगे से आपको करना है, मेरा काम था फंक्शंस ऑब्टेन करके देना, अब क्वेश्चन सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। क्या है, इफ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व, इस कर्व को टेंजेंट ड्रॉ किया, कर्व तो आपके पास है, एट पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज, कब इट क्रॉसेस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को क्रॉस करती है, मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 पुट किया यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा -1/2, तो चलो देखो सो वाई की वैल्यू क्या आएगी -1/2, तो चलो आपके पास फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करो, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू -1/2 पुट करके इसे क्या फाइंड करो, स्लोप। देखो करना क्या है, फंक्शन आपके पास है इसे डिफ्रेंशिएट करो, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, आपको क्या मिलेगा स्लोप, पॉइंट क्या आएगा, एक्स इज इक्वल 0 पुट किया तो वाई इज इक्वल -1/2, मतलब 0 -1/2 पॉइंट आएगा, सो स्लोप है पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑब्टेन करो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द फंक्शन y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज, जी ऑफ एक्स तो हमने पहले से ही ऑप्टेन किया है तो आपका सेकेंड का आंसर यहाँ पे पहले से ही आ गया है। थर्ड देखो, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होंगे, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है -1/(x+2), जी ऑफ एक्स आपका क्या है, जी ऑफ एक्स आपका 2e^-2x, इस तरह से है। तो फिर ये कहां पे इंटरसेक्ट होंगे, तो ये जो इंटरसेक्शन है तो ये इंटरसेक्शन के कितने पॉइंट्स होंगे, ओनली 1 पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है रिसिप्रोकल, ये कौन सा फंक्शन है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, ओके ना, तो ये दोनों जो फंक्शंस होंगे वो कहां पे इंटरसेक्ट होंगे, ओनली 1 पॉइंट पे, तो आपका थर्ड का आंसर भी आ जाएगा। तो चलो देखो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज थर्ड के जितने भी डाउट्स थे वो यहाँ पे 1/1 करके सॉल्व हो गए। कुछ जगह पे मैंने आपको एक्सटेंशन दिया है, कैसे सॉल्व करना है ये बताया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करके आंसर मैच करो, ओके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।